चुनाव संपन्न कराने के लिए 440 होमगार्ड रवाना। लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 440 होमगार्डों को एसपी व होमगार्ड कमांडेंट के कर्तव्य निष्ठा व निष्पक्ष ड्यूटी का पाठ पढ़ाकर रवाना किया। एसपी ने बसों को हरी झंडी दिखाई। लोकसभा चुनाव के प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चरण को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद हरिद्वार अल्मोड़ा हापुड़ व बरेली निर्वाचन में 440 होमगार्डों की ड्यूटी लगाई गई है। रविवार को पुलिस लाइन मैदान में ड्यूटी पर जाने वाले सभी होमगार्ड एकत्रित हुए। एसपी विकास कुमार, एएसपी डॉक्टर संजय कुमार ने कर्तव्य निष्ठा व साथ निष्पक्ष ड्यूटी करने का पाठ पढ़ाया। उनको बताया कि ड्यूटी के दौरान वह अपने व्यक्तिगत विचारों की बात नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक दल, जाति, धर्म, समुदाय विशेष से लगाव के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। ड्यूटी के दौरान किसी जवान ने अनुशासनहीनता की और नशीले पदार्थ का सेवन किया तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी के दौरान कोई छोटी मोटी कमी रह जाती है तो उसको नजरदाज कर अपने काम में मतलब रखें। ड्यूटी के दौरान सभी को ड्रेस कोड अच्छा रखने के निर्देश दिए गए। होमगार्ड कमांडेंट डीएन सिंह ने सभी जवानों को ड्यूटी के प्रति जागरूक किया। वरा रोडवेज बस से होमगार्डों को हरी झंडी दिखाकर एसपी ने रवाना किया। आप एक बहुत अच्छा ड्यूटी किए हैं और साथ में अपने विभाग का, अपने प्रदेश का, अपने जनपद का नाम रोशन किए हैं। हमें निष्पक्ष चुनाव कराना है तो हमें किसी का साथ नहीं देना है, हमें सिर्फ कानून का साथ देना है, जो नियम है उसका साथ देना है, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक चलना है। और चूंकि आप लोग आज लोकसभा चुनाव में होमगार्ड रवाना किए, कितने होमगार्ड रवाना किए गए? आज जो है लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में निर्वाचन जनपद फतेहगढ़ के 440 होमगार्ड्स उत्तराखंड राज्य जा रहे हैं, जिसमें से 180 होमगार्ड्स हरिद्वार जाएंगे और 260 होमगार्ड्स अल्मोड़ा के लिए जा रहे हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य से बसें प्राप्त हो गई हैं। सभी होमगार्ड्स आज जो है पुलिस लाइन से सर के जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के ब्रीफिंग के बाद यहाँ से रवाना किए गए हैं। और दूसरे चरण में हमारा जो है जनपद हापुड़ में द्वितीय चरण में जो है निर्वाचन संपन्न कराना है, वहाँ भी 440 होमगार्ड हमारे जो है नियोजित होंगे। तृतीय चरण में बरेली में 440 होमगार्ड्स पुनः जो वही आ जाएंगे और चतुर्थ फेज का निर्वाचन फतेहगढ़ का जो है संपन्न कराने के लिए हमारे 457 होमगार्ड्स यहाँ भी नियोजित होंगे। 22 जनपदों से 2227 होमगार्ड्स आ रहे हैं। कुल टोटल जो है निर्वाचन में 2684 होमगार्ड्स ड्यूटी पर नियोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार जो है आगे के चरण में पांचवें चरण के लिए हमारा होमगार्ड जनपद फतेहगढ़ का फतेहपुर जो है जनपद के लिए रवाना होगा, वहां इनकी संख्या 450 हो जाएगी। और उसके बाद जो सिद्धार्थनगर का छठे चरण का निर्वाचन संपन्न कराएंगे, फिर सातवें चरण में मऊ का जो है निर्वाचन संपन्न कराएंगे। उस निर्वाचन को संपन्न कराने के बाद पुनः अपने जनपद में इनकी वापसी सुनिश्चित हुई।